हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल शिप्रा एंड अभिषेक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हम भी एकदम बढ़िया है। आज है 3rd फेब एंड हम लोग जा रहे हैं पटना टू बैंगलोर। लास्ट 3 साल से हम लोग पटना में रह रहे हैं हमारे शादी के बाद, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर क्योंकि हम दोनों का ही ऑफिस खुल चुका है। मेरा ऑफिस इतने दिनों से खुला हुआ था लेकिन मैं पटना से अटेंड कर रही थी, लेकिन अभी अभिषेक का ऑफिस खुल चुका है 5 से और उसका लोकेशन बैंगलोर में ही है। सो इसी वजह से हम दोनों को बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ रहा है। अभी हम लोग का चेक इन कम्प्लीट हो गया था एंड अभी बोर्डिंग का टाइम है, तो फ्लाइट में हम लोग बोर्ड कर रहे थे। हमारा फ्लाइट था इंडिगो का 6:30 से एंड वो लैंड करने वाला था अप्रॉक्स 8:30 को बैंगलोर में। सो नया सिटी में जा रहे थे तो हमारे साथ बहुत सारे सामान थे, वो हम लोग फ्लाइट पे एडजस्ट कर रहे थे जो भी बैकपैक में थे, एंड वो सब एडजस्ट करने के बाद अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे एंड अभी हम लोगों का थोड़ा फोटो सेशन एंड वीडियो शूट चल रहे थे, एंड साथ ही साथ हम दोनों थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। फ्लाइट में सेटल हो जाने के बाद हम लोग विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहे थे क्योंकि इवनिंग का टाइम था और सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था एयरपोर्ट से। ये जर्नी हमारे लिए जितना नया था उतना ही एक्साइटिंग था एंड इमोशनल भी। सो आज के डे को और स्पेशल बनाने के लिए तो अभी हमने जो फोटो सेशन किए थे वहाँ से जो सबसे बेस्ट पिक्चर आया तो वही फोटो अभी अभिषेक व्हाट्सएप के स्टेटस में दे रहे थे एंड वहाँ पे लिख रहे थे बैंगलोर कॉलिंग। आप लोगों को भी दिखाते ये फोटो कैसा आया था, जरूर कमेंट्स पे बताइएगा कि इसमें हम दोनों कैसे लग रहे हैं। अभी हम लोगों को सिग्नल मिल चुका है, मतलब कैप्टन को फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, एंड अभी फ्लाइट टेक ऑफ होंगे। सो अभी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुके हैं एंड मैं फ्लाइट का टेक ऑफ का वीडियो लिया हूँ। सो फ्लाइट में चढ़ने का मौका रोज थोड़ी ना मिलता है, तो जब भी चढ़ते हैं मैं पूरा जर्नी को थ्रू आउट इंजॉय करती हूँ। तो टेक ऑफ के दौरान हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे एंड देन वेट कर रहे थे हमारे चिकन जंगली का, एंड साथ में हम लोगों को मिला तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं ली थी कोक एंड अभिषेक लिए थे जूस। हम लोग अपना स्नैक्स एंजॉय करते करते जा रहे थे एंड साथ में ये प्लान कर रहे थे वहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे। एक चीज़ हम बोलेंगे कि सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग दो टाइप का सैंडविच लिए थे तो उसमें से एक पीस मैंने खाया और अभिषेक ने एक मेरा लिया और मैंने एक उसका ले लिया। सो इसी तरह हम लोग दो टाइप का सैंडविच भी टेस्ट कर लिए एंड अभी फ्लाइट चलते चलते रात हो गया था क्योंकि अभी लैंडिंग का टाइम था 8:30, तो ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका था एंड कैप्टन ने अनाउंस कर दिए थे कि हम लोग बैंगलोर सिटी पहुंच गए हैं एंड अभी लैंडिंग होने वाला है प्लेन का। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे प्लेन लैंड कर रहे हैं। अभी आज हम लोग रुकने वाले थे अभिषेक के एक फ्रेंड के घर एंड फिर संडे को हम लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। चलिए पहले जाके हम लोग अपना चेक इन बैग्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे चेक इन बेल्ट में यानी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे बैग आएंगे। हम लोग बहुत देर तक इंतज़ार किए लेकिन हमारा बैग नहीं आ रहा था। तो हम लोग पहले भी एक एक्सपीरियंस देखे हैं जैसे हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हमारे रिलेटिव्स के साथ हुआ था कि जो बैग्स जो है वो सिटी में पहुँचे ही नहीं। सो हम लोग सोच रहे हैं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो गया, तो इसलिए हमेशा हम लोग कुछ सामान अपने बैग पैक्स में भी रखते हैं कि अगर मानिए कि चेक इन बैग्स नहीं पहुँचे एटलीस्ट हम लोग कुछ सामान के साथ अपना गुजारा कर सके। लेकिन लकीली इस बार हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को अपना दोनों ट्रॉली मिल गया था। अभिषेक यहाँ पर चेक कर रहा था ये ट्रॉली हमारा ही है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रॉली हम देखे हैं कि बहुत लोगों के पास है तो थोड़ा कम कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग वेरीफाई कर ले रहे थे। यहाँ पे मैं अपना वीडियो ले रही थी एंड अपने आप को ही निहार रही थी। आइए आप लोगों के साथ मेरा आज का लुक शेयर करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि एक जैकेट पहन के आए हैं, मैं भी एक जैकेट पहनी थी एंड अभिषेक भी, क्योंकि हम लोग आ रहे थे पटना में एंड पटना में अभी बहुत ठंडा था एंड बैंगलोर में आके उसी लेवल का गर्मी हुआ था, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन गर्मी था। जैकेट हम लोगों को पहनना ज़रूरी था क्योंकि अगर चेक इन बैग में रखते तो वो 15 kg के अबव हो रहे थे, तो हम लोग पहन लिए थे उसके चलते। अभी हम लोग बुक किए हैं ओला, सो ओला के लिए यहाँ पे सेपरेट ओला जोन है, जैसे उबर के लिए सेपरेट उबर जोन है। सो बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहली बार आ रही थी तो मेरे को थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल हुआ कि ओला जोन कहाँ है, और ये चीज़ अभिषेक को भी पता नहीं था। सो घूमते घूमते फाइनली हम लोग ओला जोन ढूंढ लिए है। ओला जोन एयरपोर्ट के एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर पे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ओला जोन का एक बोर्ड लगाया हुआ है, तो अगर आप ओला बुक किए हैं तो आप लोगों को यहीं पे आना है। एंड एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था फ्लावर्स से,
सो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहे थे। यहाँ पे ओला का भी अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ था, ओला मिनी जस्ट ओला प्राइम का, तो हम लोग ओला मिनी बुक किए थे तो इसलिए हम लोग ओला मिनी का सेक्शन में जा रहे थे। और यहाँ पे आप लोग को ओला के गाड़ी का नंबर नहीं मिलता है, एक OTP मिलता है और आपको सीक्वेंस में लाइन पे रहना पड़ता है। एंड आप जैसे सीक्वेंस में आए हैं उसी सीक्वेंस में आपको गाड़ी मिलते हैं। एंड फाइनली हम लोग अपने सामान डाल दिए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अभिषेक के दोस्त के घर में। तो सैटरडे संडे हम लोग अभिषेक के दोस्त के घर पर रुके। संडे को अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के पहले हम लोग अभिषेक के दोस्त लोगों के साथ रेस्टोरेंट में गए थे डिनर करने के लिए एंड बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। आगे आप लोग ब्लॉग्स और देखते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले हम लोग और यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। टिल देन अपना ध्यान रखना, अपना फैमिली का ध्यान रखना और हम लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसे लगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप लोग सब अच्छे से रहिए।